टर्म इंश्योरेंस लेने पर इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिलता है, लेकिन अभी आप ये सोचेंगे कि मैं तो न्यू टैक्स रिजीम फॉलो करता हूँ तो मुझे वैसे भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, तो रहने देते हैं। ये माइंडसेट है आज के उन लोगों का जिनकी सैलरी या सालाना इनकम 6 से 7.5 लाख के बीच में है, या जिनकी शायद अभी अर्निंग स्टार्ट हुई है, क्योंकि ऐसे में न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करने पर लगभग 0 इनकम टैक्स लायबिलिटी ठहरती है, जिस वजह से टर्म इंश्योरेंस जैसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट को यूथ इग्नोर करने लगा है। वैसे तो लग्जरी की तरफ कोई कॉम्प्रोमाइज होते नहीं दिख रहा है, वहां भर भर के स्पेंडिंग की जा रही है, पर टर्म इंश्योरेंस जैसे इंस्ट्रूमेंट को साइड में रखा जा रहा है और केवल इनकम टैक्स एग्जम्पशन वाले पार्ट से ही जोड़कर इसे देखा जा रहा है। लेकिन आज के इस एजुकेशनल वीडियो में मैं मनानी दिपिन आपके साथ शेयर करूंगा 5 रीजंस जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर आपकी इनकम अभी स्टार्ट हुई है, आप 25 वर्ष के एज ब्रैकेट में आते हो, इन रीजंस को जानकर आप पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड एक अच्छा फैसला ले पाएंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, आइए मिलकर सीखते हैं। पहला रीजन है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। 25 साल की उम्र में टर्म इंश्योरेंस लेना आपको फाइनेंशियली सिक्योर बनाता है। अगर आप पर आपकी फैमिली डिपेंडेंट है, जैसे कि आपके माता पिता, पत्नी या बच्चे, और अगर आपके साथ अगर कोई अनहोनी हो जाती है, तो टर्म इंश्योरेंस आपकी डिपेंडेंट की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने में मदद करता है। दूसरा रीजन होता है दोस्तों अफोर्डेबल प्रीमियम्स, यानी कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करते हो प्रीमियम्स आपको उतना कम देखने के लिए मिलते हैं, इसीलिए हम कहते हैं सूनर द बेटर। 25 साल की उम्र में टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है, आपको कम प्रीमियम भरना पड़ेगा और आप लॉन्ग टर्म कवरेज का फायदा उठा सकते हैं। अर्ली एज में इंश्योरेंस लेना आपको सस्ता पड़ता है और अच्छे अमाउंट का कवरेज इजीली मिल जाता है, और आप चेक कर सकते हैं कोर्स डिट्टो पर, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ओके, तो लिंक को क्लिक करते ही आपको अनगिनत सेल्स पर्सन के कॉल आना शुरू हो जाएंगे, जो आपको बहुत तंग करेंगे। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो डिट्टो पर किसी भी प्रकार के पुशी सेल्समैन से आपको कोई स्पैम कॉल्स नहीं आने वाला है, ये पूरी तरह से स्पैम फ्री है। आप केवल इनके एक्सेप्शनल एग्जीक्यूटिव्स के साथ कन्वर्सेशन करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करवा सकते हैं। एक हेल्दी और नॉलेजेबल कन्वर्सेशन को लगता है टाइम, जिस वजह से डिट्टो पर 30 मिनट्स की कन्वर्सेशन होती है, ताकि आपको एक अच्छी एडवाइस ये दे सके और पूरा अटेंशन फोकस आपके नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए ये जो 30 मिनट्स है उसे वो यूटिलाइज कर सके। इसके लिए पैसे भी नहीं देने होते हैं, ये कंसल्टेशन सर्विस बिल्कुल फ्री है, और ऐसा नहीं सोचिएगा कि एक बार कंसल्टेशन वाले चक्कर में फंस गए तो इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। आप पूरी तरह से अपने फैसले के मालिक हैं। तो आपको दो काम करने हैं, पहला आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से या इनके वेबसाइट पर विजिट करके बुक अ फ्री कॉल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें और फ्री कंसल्टेशन लें। दूसरा, इनके वेबसाइट पर आपको बहुत सारे एडुकेशनल टूल्स देखने के लिए मिलेंगे, जैसे टर्म इंश्योरेंस 101, टर्म इंश्योरेंस चेकलिस्ट, टैक्स बेनिफिट एक्सेट्रा, जिन्हें आप जरूर एक्सप्लोर करें। तो डिट्टो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, उसे चेकआउट जरूर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे रीजन की, जो है इनकम रिप्लेसमेंट। 25 साल की उम्र में आप अपने करियर की शुरुआत करते हैं और इनकम कम होती है, टर्म इंश्योरेंस आपकी इनकम रिप्लेसमेंट के लिए एक जरूरी टूल है दोस्तों। अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी आपके डिपेंडेंट्स को इनकम का एक कंसिस्टेंट सोर्स प्रोवाइड करेगी। चौथा रीजन दोस्तों डेट कवरेज को लेकर है। आजकल लोग लोन्स और क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं। अगर आप 25 साल की उम्र में टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आप अपने लोन्स और डेट्स को कवर कर सकते हैं, आपके परिवार को आपके एब्सेंस में डेट्स के लिए परेशानी नहीं होगी। हाँ, आप अपने डेट्स को अपने रिस्क कवर के हिसाब से ही रखिएगा, ऐसा नहीं है कि टर्म इंश्योरेंस है तो लोन लेते फिर। आखिरी यानी कि पांचवा रीजन है दोस्तों हेल्थ कवरेज का। यंग एज जैसे 25 साल में जनरली कोई मेजर हेल्थ कंसर्न्स नहीं होते हैं, टर्म इंश्योरेंस कंपनीज आपको अच्छी हेल्थ पर प्रीमियम्स कम करने का फायदा देती है, और अगर आप बाद में किसी सीरियस हेल्थ कंडीशन से गुजर जाते हैं तो आपकी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन बनेगी, क्योंकि काफी सारी पॉलिसीज में आपको ऐसे फीचर्स देखने मिलते हैं जिसकी स्टडी आपको जरूर करनी चाहिए और अपनी सूझबूझ से
अच्छे से रिसर्च करके अपने लिए टर्म इंश्योरेंस का चुनाव करना चाहिए। वैसे आप डिट्टो के फ्री कंसल्टेशन का लाभ उठाकर भी ज्यादा जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं, जो आपको जरूर काम आएगी। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब अगर मैं इस वीडियो को समराइज करूं तो यंग एज में टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए और उसके मुख्य रीजन है, आपको टर्म इंश्योरेंस से फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलती है, यंग एज के कारण प्रीमियम काफी कम और अफोर्डेबल होता है, इनकम रिप्लेसमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, डेट कवरेज और हेल्थ कवरेज में भी टर्म इंश्योरेंस आपकी मदद करता है। उम्मीद है कि ये छोटा सा एडुकेशनल वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इससे सहमति रखते हो तो वीडियो को लाइक कर मुझे सिग्नल जरूर दीजिए, और अगर आपके पास कोई सवाल है या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में उसे लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड ये 5 रीजंस की जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसी के साथ करते हैं कंक्लूड इस वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में, लेकिन तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।